पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खुलेआम फायरिंग का मामला सामने आया है। बता दें, कपूरथला में स्थित गुरुद्वारे में निहंग सिंह ने फायरिंग की है। ये फायरिंग गुरुद्वारा अकाल बुंगा में निहंग सिंहों और पुलिस अधिकारियों के बीच हुई। खबरों की माने तो इस दौरान कई राउंड की फायरिंग हुई है। दुख की बात यह है कि इस घटना के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। जी हां, पंजाब की कपूरथला के एक गुरुद्वारे में निहंग सिंह ने गोलीबारी कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये गोलीबारी गुरुद्वारे के स्वामित्व को लेकर हुई। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कपूरथला के श्री अकाल बुंगा गुरुद्वारे में पुलिस और निहंग सिंहों के एक ग्रुप के बीच झड़प के बाद ये गोलीबारी शुरू हो गई। मृतक कांस्टेबल की पहचान जसपाल सिंह के रूप में हुई है। ये पुलिसकर्मी सुल्तानपुर लोधी पुलिस थाने में तैनात था। इससे पहले साल 2020 में निहंग प्रदर्शनकारियों ने पटियाला में एक पुलिस अधिकारी का उस वक्त हाथ काट दिया था, जब वो कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन लगाने की कोशिश कर रहा था। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल पुलिस गुरुद्वारा परिसर को खाली कराने गई थी, जिस पर निहंगों ने कथित तौर पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान निहंग सिंहों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि कई निहंग अभी भी गुरुद्वारे के अंदर हैं और उन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जबकि पुलिस ने सिलसिले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कपूरथला के पुलिस अधीक्षक तेजबीर सिंह हुंदल ने मीडिया से बातचीत करने में बताया कि पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे, जब निहंगों ने उन पर गोलीबारी की। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना तब हुई जब पुलिसकर्मी सुल्तानपुर लोधी में कुछ निहंगों यानी पारंपरिक हथियारों से लैस सिख के खिलाफ दर्ज एक मामले में उन्हें गिरफ्तार करने गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो इस गुरुद्वारे पर पहले बाबा बलबीर सिंह का कब्जा था। इसके बाद 21 नवंबर को विरोधी गुट मान सिंह ने गुरुद्वारे ने कर्मचारियों के साथ बेरहमी से मारपीट की और गुरुद्वारे पर अपना कब्जा जमा लिया। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।